Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. ਦਰਸ਼ਕੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਭੈਣ ਚੋ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕੇਸ਼ ਕੈਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਪਹੁੰਚਵਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਟੋਇਲਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀਆਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। कल मुख्यमंत्री जी की बात हुई थी टिकैत जी से, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार ने पानी वगैरह हटा लिया है, तो पानी की व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से हो जाए, तो रात को ही व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पानी लगवा दिए हैं, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था करवा दी है, तो किसानों को अगर ज़रूरत पड़े तो वो यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से पूरा इंतज़ाम है, 9-10 टैंकर तो इस साइड में खड़े हैं, कुछ उस साइड में खड़े हैं और दिल्ली की सीमा में खड़े हैं। और मैं यहाँ बस यही देखने आया था, इसी का निरीक्षण करने आया था। पूरा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो किसान देश को रोटी देता रहा है उस किसान को गद्दार कहा जा रहा है, उस किसान को गाली दी जा रही है, उस किसान को हिंसक कहा जा रहा है। जो पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो सबसे बहादुर कौम है, जो सबसे कट्टर देशभक्त कौम रही है, सरदारों की कौम, उसको गद्दार कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको गद्दार कह रहे हैं, सरकार में बैठे लोग उसको गद्दार कह रहे हैं। तो सरदारों को गद्दार कहने की ऐसी मुसीबत, ऐसी इनकी नौबत क्यों आ गई? ये भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना पड़ेगा, देश को इनको बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि क्यों ये सरदारों को गद्दार कह रहे हैं। इनको बताना पड़ेगा कि अब जब ये टिकैत साहब यहाँ लोग बैठे थे तो अभी इनको भी गद्दार कहने लगे हैं। मोदी जी को, बीजेपी वालों को बताना पड़ेगा कि इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि देश के किसान जब विरोध कर रहे हैं तो ये फिर भी बिल लाने पड़े हुए हैं। तो पूंजीपतियों के हाथों ऐसी क्या इनकी दुखती रग दबी हुई है जो देश के लाखों करोड़ों किसानों की बात ना सुन के ये केवल कुछ पूंजीपतियों की बात सुन रहे हैं बीजेपी वाले।